हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक मेकअप करने जा रही हूँ बिकॉज टुडे इज माय बर्थडे, सो बर्थडे स्पेशल मेकअप। तो फर्स्ट स्टेप, मैं एक वेट टिश्यू लेके अपना स्किन अच्छे से वाइप कर रही हूँ ताकि मेरा स्किन एकदम क्लीन हो जाए। मैंने पहले क्लींजर यूज़ किया था, सो टिश्यू से वाइप करने के बाद मैं जियोडर्नी प्राइमर यूज़ कर रही हूँ पूरा फेस में। प्राइमर अच्छे से लगाने के बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। प्राइमर मेकअप को ज़्यादा देर तक होल्ड करता है, लॉन्ग लास्टिंग फिनिश देता है। मैंने द वन एवरलास्टिंग सिंक फाउंडेशन, जिसमें SPF 30 है, जो 30 आवर लॉन्ग वेयर है, वाटर रेजिस्टेंट है, उसका लाइट बीज न्यूट्रल 35783 ये फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है। पहले मैं फाउंडेशन ब्रश से पूरा फेस में लगा लिया एंड उसके बाद मैं जियोडर्नी का ब्रश से पूरा फेस को यूनिक से अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ये ब्रश बहुत 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 अच्छा ब्रश है। मैंने स्पॉन्ज भी यूज़ नहीं किया। इस ब्रश से पूरा स्किन अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरा। जियोडर्नी गोल्ड सिल्की फाउंडेशन बफर ब्रश 30887 है इसका कोड। नाउ टाइम फॉर कॉन्सीलर। मैंने यूज़ किया द वन एवर लास्टिंग प्रेसिशन कॉन्सीलर 33706, जो लाइट न्यूट शेड है। कॉन्सीलर आईज में लगाते हैं बिकॉज एक वाइट पेपर के ऊपर ही कलर अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छा लगता है। दैट्स वाई कंसीलर आईज में लगाना चाहिए। कंसीलर के ऊपर आई मेकअप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। एंड फेस में आप जो जो एरियाज हाईलाइट करना चाहते हो वो एरियाज में आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं नोज एरियाज में, अपर एंड लोअर चिन में, चिक बोन में एंड मिडल ऑफ द आईब्रोज में कंसीलर अप्लाई किया है। कंसीलर को भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि मेरे स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन अब देख सकते हो कि कंसीलर जहाँ जहाँ एरियाज में मैं लगाया है वो एक शेड लाइट लग रहा है स्किन। नाउ दिस इज माय पर्सनल चॉइस। मैं थोड़ा सा दा वन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो जो दा वन इल्यू स्किन पाउडर है, दिस इज माय पर्सनल चॉइस। मैं ये पाउडर आफ्टर कंसीलर यूज़ करती हूँ। नाउ आई एम यूजिंग जियोडर्नी काजल इन माय आईब्रो। आईब्रोज एक एसेंशियल पार्ट ऑफ योर फेस। अगर आपके आईब्रो इन शेप है, आपका चेहरा बहुत ही ब्राइट लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं आईब्रो थोड़ा सा अच्छे से शेप करके, थोड़ा सा मेकअप आईब्रो में करके मैं हमेशा बाहर निकलती हूँ। क्योंकि आईब्रो अगर आप अच्छे से रखते हो तो आपका फेस अच्छा ही लगता है। जैसे कि अभी देखो, पहले से मेरा फेस अभी अलग दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। आफ्टर आईब्रोज मैंने यूज़ किया द वन क्रीम इल्यूमिनेटर। नोज एरियाज में, चिक बोन में, फोरहेड एंड मेरे लोअर चिन एरियाज में। ये स्किन को बहुत 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 हाईलाइट करता है एंड इल्यूमिनेट करता है। मेकअप करते करते मेरा ख्याल आया है कि मेरे पास कोई ब्रॉन्जर नहीं है कोलकाता में। सब ब्रॉन्जर मेरे चंडीगढ़ के घर में है।
इसीलिए मैं आई का डीप डार्क ब्राउन क्रीमी आई शेडो जो जियो रनी का है वो मैं एज अ ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ एंड अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरे फेस में एक अच्छा सा शेप आ जाए। मुझे लगता है जैसे भी जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स है उसी से आप थोड़ा स्मार्टली एप्लीकेशन करके मेकअप कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। तो ब्रॉन्जर यूज़ करने के बाद मैं आई शेडो में आ गई। मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास आई शेडो अलग से जो पैलेट है वो भी चंडीगढ़ में है, कोलकाता में नहीं है, इसलिए मैं दा वन जो क्रीमी आई शेडो पैलेट था वही मेरे पास, मैं वही यूज़ कर रही हूँ इन माई आईज। मैं मेकअप कहीं से सीखा नहीं हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग जब होता है तब भी मैं मेकअप देखती हूँ एंड सीख भी लेती हूँ। मैं यही सोचती हूँ आप जिस मेकअप में कॉन्फिडेंट फील करते हो वही आपके लिए बेस्ट मेकअप है। मेरे लिए मेकअप टू लुक ब्यूटीफुल, टू लुक गुड, इसका एक फंडा है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ मेरे स्किन को। विदाउट मेकअप भी मेरे स्किन बहुत ही हेल्दी है एंड हमेशा मुझे मेकअप करने का ज़रूरत भी नहीं होता है। इसलिए मैं मानती हूँ एक दिन का मेकअप, एक टाइम का मेकअप आपके स्किन को ब्यूटीफुल करेगा, बट हेल्दी करेगा? नो। हेल्दी का स्किन तभी होगा अगर आप रेगुलर CTEBM करोगे, दैट इज क्लिनजिंग, टोनिंग, आई क्रीम, बूस्टिंग एंड मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे, तभी आपके स्किन अंदर से ब्यूटीफुल होगा, हेल्दी होगा एंड आप कोई भी मेकअप करो आप अच्छा ही लगोगे। आफ्टर आई शेडो मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, अक्टूबर न्यू लॉन्च्ड काजल। कोड है विविड ब्रॉन्ज 36554। मैं जियोडनी का काजल जिससे मैं आईब्रो किया वो भी मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ एंड थोड़ा सा आईज को स्मोकी करने के लिए मैं थोड़ा सा आई शेडो का जो शेड है वो से ही यूज़ कर लूँगी इन माय लोअर आईज। अभी मैं दावन का एक ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ अपर आईलिड में ताकि मेरा आई थोड़ा बिग दिखे। Now I am using mascara. Oriflame का सभी mascara आपके eyes में volume देता है, waterproof होता है and आपके eyes भी big लगता है।
सो साड़ी पहनी हूँ, थोड़ा सा ज्वेलरी तो पहनना ही है, एंड उसके साथ मेरे हेयर को भी तो शाइन कराना है। फॉर दैट स्मार्ट शाइन स्प्रे। सो गाइस, कमेंट में ज़रूर बोलना आपको कैसा लगा ये मेकअप एंड मैं कैसी लग रही हूँ, एंड सब्सक्राइब करना। अगर बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्त एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।